भाऊ मेरे कने रोटी पुआ वैसे बता देख मेरा चल ले भी गोंडा देख मेरा ये गोंडा टूटता मन ने ना दे तो मेरे ये गोंडा भी टूटेगा दिलदा भी टूटेगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सभी? आई होप सभी ठीक होंगे। और सभी का स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आपको पता चल गया होगा लास्ट व्लॉग में कि हम गांव में आ चुके हैं। तो अभी सुबह के ना 6 बज रहे हैं और मैं उठ के अपना रूटीन कर लिया है। और अभी ना मैं चाय बना रही हूँ, ये देखिए चाय बनाती हूँ। और मम्मी पापा है वो बेकाम के लगे हुए हैं, इसलिए उनके लिए अभी चाय बना देती हूँ फटाक से। और फिर मैं भी चाय पी लूँगी और फिर और भी तो काम करने मुझे लग रहे होंगे। छुट्टी आने के मजे, आराम से सो रहे हैं। और ये देखिए चिंटू, ये भी अपना आराम से सो रहा है। ये देखिए पूरा किचन ना हमारा अस्त व्यस्त हो रखा है, क्योंकि मम्मी है भाई, इतनी एज भी ज़्यादा हो रखी है, इतना साफ़ सफाई और नहीं हो पाता। वैसे करती तो है मम्मी साफ़ सफाई। और ये देखिए अभी मैं इसको ना बिल्कुल अरेंज कर दूँगी, क्योंकि भैंस का काम भी हो जाता है, पूरा घर का बहुत काम हो जाता है। इसलिए अभी मैं आ गई हूँ, अब मैं अरेंज करती हूँ किचन को। अब हम लग जाते हैं किचन की सफाई करने के लिए। ये हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं अभी उठ गया हूँ, यहाँ पर बहुत सर्दी है। सर्दी से हमारे कब कभी चक्कर रहती है। यहाँ बहुत सर्दी है, मैं अभी उठा हूँ। और वो तो पहले उठ गई थी, अभी देखते हैं क्या कर रही है। चलो चलते हैं बाहर। ये देखिए दोस्तों, ये लगी हुई है, आज तो कमेरी बन रही है, सवेरे से लग रही है। ये देखो कितना सामान बखेर रखा है, ऐसे ही दिखा रहे, बहुत ज्यादा सामान, कचरा निकाला है, साफ किया है। आते ही ये कमेरी बन गई, पूरा घर साफ कर दिया और अभी भी लग रही है। हेलो, ये अभी सो के उठे, इनको बिल्कुल भी शर्म ही नहीं आती, अभी इतना जल्दी उठना है, नहीं तो मैं आराम से पड़े ड्यूटी तो जाना है नहीं, इसलिए बड़ा मजे ले रहे हैं। चलो, हमारी माता जी घी निकालने लग रही है, दूध को बिलो बिलो के घी निकाल रही है, मक्खन निकाल रही है। हमें पता नहीं है, इसको घी नहीं, इसको मक्खन बोलते हैं। मक्खन बेटा ना पाऊंगी, मैं बेटो आया था, खाऊंगी ना बेटा, वो बाने घी दिखे काट दे बेटा, मैं मक्खन काट दो ना बेटा, ने घी पाऊंगी, मोटो करूंगी, बहु भी पता नहीं लोग खाई से। अरे सुन, के खवाया करे, बहुत तो पता ही होगी बेटा, के खवाया करे, मैं खाऊंगी, देखिए मोटी हो जाएगी बेटा, ये घी खाओगी तो मोटी हो जाओगी। मन भैंस बांध रखे ना बेटा, घी दूध देखिए मोटी करके भेजूंगी तेरे साथ। कितनी मोटी, कितने फाटी ना जाऊ रे। अरे मोटी हलवाई किसी कर दूंगी। ज्यादा मोटी मना करियो, मैं कदे पार्ट जाऊ रही रास्ता का, मैं खिंड जावे चढ़ा सा। अरे पतली से सोनी ना लागे, चालती भी चालती सोनी ना लागे, बता के करया कर तू, एने ना ना हम लड़ा ना करा, इतनी ठीक सा आजकल, इतनी स्लिम फिट चाल रही, जमानो चाल रो सको स्लिम फिट को। अरे बाहर जा जा के दुनिया मोटी हो से, बाहर इतना मोटा ना हो, बाहर तो जब बाहर जाके सब फिट हो जाओ। मोटी करके ले आए बेटा, मोटी करके ले आए, करे सोनी लागे चालती ही, मोटा को के सोनो लागे चाल लागे, सोनू के करके ले आयो जा तू।
ਸੋਹਣਾ ਨਾ ਲੱਗਾ ਕਤੀ ਦੀ ਹੈ ਐਸੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਜਣਾ ਤੂੰ ਯਾਨ ਪਰ ਆ ਦੀ ਆਓ आज तो मानने या तुलिया बता दी भैया तुलिया जो खा लो मक्खन खा लो माँ का हाथ का निकाला हुआ मात ने तो कर दी मोटी या देखो हो गई मोटी जा मम्मी मक्खन खान लाग रही तेरे तो बुलाओ जा नहीं मक्खन खा ले डोला सोला अरे बहू मेरे कने रोटी खुआवे से बता देख मेरा चाल भी कौन ना देख मेरा ये गोड्डा टूटता मन ने ना दे तो मेरे ये गोड्डा भी टूटेगा दिद्दा भी टूटेगा मन ने ना दे रो तो अरे मेरी बहू ऐसी निकलेगी मन ने ना दे रो तो मेरी बहू एक रोटी खुआवेगी मेरे कने मन ना दे रो तो देखता रोटी खुआवेगी बुढ़ापा में एंड ये है मेरी सासू माँ आपको पता लग गया होगा और अभी देखो खाना बना रही है बोल रही बहुत दिन बाद बहू बेटे आए हैं तो मैं बना के खिलाऊंगी और ये देखो अलोना गई अब मैं बेटा बहुत दिन आई सर अरे मेरे बेटो बहुत दी हो गई तो मेरे बेटा तो ये देखो आलू भाजी और चिल्ले की रोटी अब हम खाएंगे मेरे बेटा इतना अरे बेटा खाली रोटी हो जाएगी तू अरे बोल रही होगी तुम क्या देश है अरे मेरे बेटो मार से अरे तुम जब तू बहुत दी हो मैं बताऊंगी और चिटू ना मैं बताऊंगी बहुत मार से अरे मेरे बेटी बहुत दी हो देख लो भाई सासू माँ हो तो न्यारा ही फर्क से ससुराल में नहीं कोई फायदा को ना अगर सासू नहीं तो कुछ नहीं मेरे बेटे क्यों धमका मैं देखते बहुत से घर का तू मेरे बेटी को मारे बता मेरे देखते ही सेवा करेगी बता मेरे बुढ़ापा में सेवा करेगी ना तू मेरे बहू का मार है बता सेवा तो यही करेगी दे दे तू तो चल जाएगा बता मेरा लत्ता धोएगी मैंने नुहाएगी अरे सोनू तुम बहुत दिक्कत थी मैं तुमको भी बोल मैं तो इतनी मोटी और मैं तो इतनी भारी से बता मेरे बहुत बहुत दिक्कत थी मैं कैसे खाएगी मैंने भैया वाली कुर्सी ले आऊं बड़ा ले ओके इधर खाएगी मेरी बहू अरे थोड़ा तेरे मैं बताऊंगी तर जा बता ए बेटा घर सारो खा ले मोटी हो जा अरे तन नहीं कर रही थी सेवा मेरी बेटी तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना।